नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज केवल सच। आज से 34 साल पूर्व परिवार नियोजन के प्रति जनसंख्या दिवस की शुरुआत की गई थी। उस समय 5 अरब दुनिया की आबादी थी और आज 7.8 अरब दुनिया की आबादी है। इसी जनसंख्या वृद्धि को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए समस्तीपुर मोहनपुर होली मिशन हाई स्कूल के सभावन में आज समस्तीपुर रोटरी क्लब के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर विशेष चर्चा सह जागरूकता कार्यक्रम प्रेसिडेंट केशव किशोर प्रसाद और सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार सौरभ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें समस्तीपुर जिले के डॉक्टर, शिक्षाविद और समाज सेवी सहित कई बुद्धिजीवियों की उपस्थिति थी। आइए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम में। विभिन्न कारणों से जो मृत्यु असमय होती थी उसमें कमी आई, क्योंकि मेडिकल साइंस ने काफी प्रोग्रेस पैदा कर देता है कि उसके पास ज्यादा हाथ है और दोबारा इस कारण गरीब लोगों में खाद्य सामग्री की जनसंख्या वृद्धि हुई। उस समान बात में रोजगार की वृद्धि नहीं, रोजगार की वृद्धि ना हो पाने के कारण लोगों के जीविकोपार्जन में तमाम तरह की समस्याएं आती है। चौथा बिंदु है आवास की समस्या, कम है जो पॉपुलेशन रेशियो या फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत अधिक है कुछ क्षेत्रों में, और खास करके हमारे बिहार बंगाल के क्षेत्रों में तो ये सबसे ज्यादा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा देखा जाता है। उसके अलावा जल वायु और मृदा का प्रदूषण, ये भी एक बिंदु है, बढ़ती जनसंख्या की वजह से इन सब चीज़ों में पॉल्यूशन बढ़ा है। और संक्रामक जो रोग है, जैसे अभी हम कोरोना काल में हम इतने ज्यादा हैं और हम इतने मजबूर हैं कि हम चाह के जो लॉकडाउन लगाया हमने, तमाम तरह के हमने प्रयत्न किए, लेकिन हमारी जनसंख्या, हमें इतने लोगों को खिलाना है, जीवन का ध्यान रखना है कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये बन गया है कि अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे और नहीं करेंगे तो महामारी से मर जाएंगे। तो इन बिंदुओं पे विचार करना मुझे ऐसा प्रतीत होता है आवश्यक, और जिस हिसाब से किसी भूमि से हम कितना धन उत्पन्न कर पाते, एक और बिंदु है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। इसके बाद जो हमारे तमाम विशेषगण हैं इसके ऊपर बड़ी समस्या अगर भारत के लिए भी वर्ल्ड के लिए तो है, अभी भारत के लिए सबसे ज्यादा कोई बड़ी समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि है। आज हम अगर विचार करें, अगर उस पर मनन करें, अगर देखें तो हर एक कारण में सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फैक्टर और कोई दिखता है कि वो जनसंख्या वृद्धि है। और भारत को या पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा, एक नए समाज का निर्माण करना है तो हमको इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, इस बात को जनसंख्या वृद्धि हमारे हर कारण है, जो आर्थिक हो, सामाजिक हो या पर्यावरणीय समस्या हो, हर के जड़ में जनसंख्या वृद्धि हमारा हमारे साधन। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ ने बताया, डॉक्टर सौरभ ने बताया कि हमारी जो आज परिस्थिति का जितने भी संसाधन है वो सीमित है, पूरी दुनिया का उनकी चीज वो हम एक सीमित साधन में, लेकिन जनसंख्या हमारा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिस विस्फोटक अंदाज में हम जहाँ अगर हम उसको सही ढंग से कंट्रोल एक दिशा नहीं दे सके तो दुनिया का कोई भी सरकार हो, दुनिया का कोई भी संता, दुनिया का कोई भी समाज हो, वो आज पूरी स्थिति में विषम परिस्थिति में और भयावह परिस्थिति में ये और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा और इस पर विचार करना होगा कि हम कैसे इसे सही दिशा दें। 60 के दशक में जो लोग होंगे उनको मालूम होगा कि उस समय एकदम इंदिरा गांधी का जमाना था, एक नारा आया था, एक कोण बना होता था दीवारों पर और बच्चा बच्चे की फोटो होती थी और लिखा रहता है 2030 बच्चे घर में अच्छे, ये जो नारा है 2030 बच्चे घर में अच्छे। तो हमारे आज थे बहुत बुद्धिमान, हर कम्युनिटी के आदमी ने कोई बूढ़े बूढ़े बोलते हैं जिनकी बात सभी सुनते हैं और काफी दिमाग वाले सभ्यता है, उन्होंने वो नारा कही था और घर बताओ तो उन्होंने
करके जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं 2003, वो 2003 नहीं है, वो 2-3 यानी 5, 2 लड़कियां 3 लड़के। तो हम लोग तो 5 भाई हो गए, लगता है अब्बा हुजूर ने सुना होगा, तो हम 5 भाई हैं। तो भारतीय संस्कृति जो है, समाज कुछ इस तरह से चलता है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है और बदलाव आ गया है। जैसे हम 5 भाई हैं, हमारे 2 बच्चे, ये जो जनरेशन आई हमारे भारतीय जनरेशन है, जो तो उस समय ही निर्धारित कर देती है कब और कितने बच्चे, और देखिए पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वहां कोरोना भी बहुत अटैक करता है, भीड़ भाड़ से सबको मना किया जा रहा है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने कहा कि शिमला मसूरी सारे मार्केट्स में भीड़ लग रही है, ऑपरेशन है कभी ना कि जनसंख्या अभिशाप है बहुत बड़ा, लेकिन जब प्रधानमंत्री को अपने मंच से कहना पड़ता है, एक निजी संसद पार्लियामेंट में अपने विचार लेकर जाते हैं कि जो भी चुनाव लड़ने के लिए MLA MP आएंगे उनके 2 ही संतान होंगे, और इसलिए वो पारित नहीं होता है क्योंकि वह एक निजी सांसद द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन चुप्पी भी इस पर नहीं साधी जाती, नहीं साध सकते हम चुप्पी। जब विकास की बात करते हैं, जब रोजगार की बात करते हैं, जब परिवार की सुख सुविधा की बात करते हैं, तो चुप्पी साथ नहीं सकते, और इसलिए प्रधानमंत्री को मंच से कहना पड़ता है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। फिर हम आप बैठे लोग इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ये जरूरी है, तभी जब तक ये नहीं होगा तब तक हम जो मूलभूत समस्याएं